हाँ लो 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 लो, लो। सर इधर भाई बहन दोनों आए मैम यहाँ पे राइट पे राइट तो आया अपार शक्ति के लिए बहन किसके लिए आई मैम यहाँ राइट पे यहाँ पे मैम राइट पे राइट पे सोनन जी इधर मैम यार मैम रुकिए समीर ले ले भी मैम मैम हाँ मैम मैम वो तो भी हो सेंटर सेंटर मैम मैम वो तो भी सेंटर भाई लुक बहुत हार्ड लग रहा है आपका आज ग्लैम ग्लिट्स एंड ग्लैम सही है सर लुक किया सर लुक सही है स्टेट सर लुक सेंटर हाँ मेरी ले रहे हैं संजना जी इधर संजना जी इधर ओके डन भाई मनीष भाई बहुत ग्लैमर लग रहे हैं आज आउटफिट बहुत भारी है सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू नेहा जी इस साइड मैम राइट में आपके राइट में क्या बात है रिचा जी अंगद सर अंगद सर इज बीइंग सो हां बढ़िया अरे भुवन भाई क्या चल रहा है बढ़िया भाई बढ़िया फूल ढिंडोरा मैम मैम हाय मैम हाउ आर यू आई एम फाइन
सोनाक्षी जी बाइट एक बाइट समीर सब समीर Very, very, very excited about the Midday Grammar. Midday mera all-time favorite paper raha hai. Ye wahi paper hai, jab main jaldi sleep to mujhe Midday ke saath bahut definitely kaam karna. Aur maine I got rejected. Also because I was working with Yahoo and I'm from contractor currently, but it is all of me to the end. Today to be Midday is validating my passion plans and volunteer plans. कुछ राज नहीं होता है एक्चुअली मैं बोलूँ आई फील जिसके कुछ जो होता है वो वही दिखता है वो वही देख सकता है सो माई सिस्टर इज ब्यूटीफुल इनसाइड एंड दैट्स व्हाई आई ब्यूटीफुल सेल्फ रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ब्यूटी उनकी आंखों की वो ठंडा को प्यार से देखना वो मुस्कुराना वो सब बहुत होता है तो थैंक यू जी हाँ आज जो अवार्ड्स हो रहे हैं मिटे ग्लैमर अवार्ड्स उसका होस्ट मैं हूँ और देखा जाए कि लाइनअप स्टार्स से भरपूर है टेलीविजन स्टार्स फिल्म स्टार्स लोग जो ट्रेंड बदल रहे हैं अपने फैशन सेंस के साथ अपने काम के साथ तो ये कहा जाएगा कि ये इतिहास बचाने वाला रात है जहाँ पे ट्रेंड सेटर्स होंगे स्टेज पर यार मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो मैं पहनता हूँ जब मैं उठता हूँ ना बिस्तर से जो अंदर से आवाज़ आती है वो पहनता हूँ मेरा ये कहना है डिज़ाइनर कोई भी हो नॉन डिज़ाइनर हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बस आपके अंदर से जो आवाज़ आती है कॉन्फिडेंस की वही आपके कपड़ों को बनाता है और मैं भी ये विश्वास करता हूँ कभी कभार मैं नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ पर अंदर से आई फील सो स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट कि मैं ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करता हूँ तो जो लोग देख रहे हैं डिज़ाइनर नॉन डिज़ाइनर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो पहनो जो आपको सुपरस्टार फील करवाता है अंदर से आजकल इवेंट्स का जमाना वापस इंपॉर्टेंट हो गया है जोरों से और अभी दिवाली आ रही है आप बताइए मैंने कैन प्रेज माय सेल्फ थैंक यू सो मच बट जस्ट ट्राई टू माई बेस्ट बट आई नॉट मैं इतना कुछ फैशन के बारे में मतलब जानकारी रखता नहीं हूँ और फॉलो नहीं करता जो मुझे सही लगता है वही पहन लेता हूँ वेरी कम्फर्टेबल मैं बहुत शुरू किसी और को बनने की कोशिश नहीं की आई थिंक दी अदर यूथ इज बिकमिंग वेरी फैशन कॉन्शियस बट मेरे हिसाब से नेचुरल रहना ज़्यादा जरूरी है फैशन के साथ साथ आपकी अपनी जो स्टाइल है निखर कर आनी चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दे शुड हैव टू बी लीडर्स नॉट फॉलोअर्स जैसे हम भी रोज सीख रहे हैं जस्ट हाउ टू गेट इट राइट एवरी डे एंड द बेस्ट वे इज़ टू बी कंफर्टेबल इन योर शूज एंड प्ले स्टाइल फ्रॉम नाउ दैट्स माय लास्टली मारिस के बारे में अगर आपको बताना चाहें कि नाइंथ रिलीज हो रही है नंबर ऑफ हिस्ट्री एंड आई एम वेरी एक्साइटेड थैंक यू फॉर मेरी फिल्म आ रही है एंड उसका ट्रेलर कुछ ही आपको मिले एक्सपेक्टेशंस हमेशा होनी चाहिए हमेशा होनी चाहिए
मुझे लगता है उसी की वजह से आप एक्चुअली बेहतर काम कर सकते हो. लेट्स होप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट. एंड ग्लैमरस लग भी रही हैं आप आज के साथ. अभी मुझे ऐसा लगता है शिवानी का बॉन्ड ग्लैमरस है. ब्यूटीफुल आउटफिट है उसके. थैंक यू. मैं शिवानी अवस्थी एक ब्रांड है एंड माई स्टाइलिस्ट has got me ready in one day. Oh, wow. अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता कि आ रही है कि नहीं आ रही है, बट लोगों को तो डेफिनेटली जाननी आ रही है. हाँ जी, लोगों को एक्चुअली थर्ड पार्ट चाहिए. मुझे रोज़ एक्चुअली मैसेजेस आते हैं कि थर्ड पार्ट आ रहा है. शूटिंग स्टार्ट हो गई है लोगों ने बोले. मुझे नहीं पता शूटिंग तो स्टार्ट नहीं हुई. नो नो इट्स नॉट पॉसिबल. मैं ऑलरेडी किसी और चीज़ के लिए शूट कर रही हूँ तो फिल्म का अनाउंसमेंट होगा. एंड फिल्म हाँ जी फिल्म नहीं शॉर्ट फिल्म नहीं म्यूजिक वीडियो ऐड अभी बता दूंगी फिर बाद में एक बार अनाउंसमेंट होगा. बता सकते हैं आपकी. Well, always excited. First of all, midday has been, you know, it's been a long journey since the time I have come into the industry. I've always been associated with midday, so it's always amazing to be a part of whatever they do. And this is the Glitz and Glam Award, which is, I think, a very big part of Glitz and Glam is a very big part of the film industry. So very happy to be here and can't wait to go inside and see everything. जी 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 थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरी वन यू नो हु हैज़ बीन स्पेशली एक्नॉलेजिंग यू नो माय परफॉर्मेंस. गोस्ट में पहली बार मैंने एक्शन किया है एंड इट हैज़ बीन द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई रियली थरली एंजॉयड इट एंड आई थिंक माई बिगेस्ट अवार्ड एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड हैज़ बीन ऑल द अमेजिंग कॉमेंट्स एंड अमेजिंग रिव्यूज दैट आई हैव गॉट फ्रॉम एवरीवन. सो रियली एंजॉयिंग इट. थैंक यू गाइस. यू नो सोनम जी आपके यूथ जो है बहुत ही ग्लैमरस हो चुका है. आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो बहुत ही ग्लैमरस यूथ बहुत ही ज़्यादा है. I think, I just think that one should only be themselves. Style is something very, very personal. So just keep it real and be yourself and that is what will make you glamorous. अरे आपने नोटिस किया आपका बड़प्पन है सर. मेरी तरफ से कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है सर. हाँ सर अपने कभी अपने व्हाट्सएप के लिए ट्रीटमेंट जी का सिंपल है. उसके अलावा सर एक टिप्स के लिए yeah, of course. I mean, I think it's a part of our field. Yeah, it's a part of our profession. And that's what styling team मेहनत कर रही है, MNO team मेहनत कर रही है, हम लोग workout कर रहे हैं. It's an amalgamation of all of them. So yeah. And I don't know. I think आपने भी नोटिस किया हमारा जो youth है वो भी बहुत ही glamorous होते जा रहा है. आप सब चीजें को नोटिस करते हैं daily. So चाहे मैं इसमें भी influencer देखता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस समय स्कूल कॉलेज में किड्स हैं और जो आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स एज एन एक्टर तो वैसे यही नहीं सकता मैं कि काम सबका ले देगी क्रिएटिव ही. आई थिंक जस्ट वेयर समथिंग विच इज़ कम्फर्टेबल एंड क्रिएटिवली सेटिस्फाइड. कपड़े पहनना भी एक तरीके की क्रिएटिविटी है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल स्टाइलिस्ट हैं. आई थिंक समीर और यादव में भी क्लोथ इन अ वे काइंड ऑफ
define your body, they define your, you know, existence at such events. So yeah, style important. Hey. ऐसा यार मेरे जो स्टाइलिस्ट है जे सैम्यूल, एक बात जो मुझे लगता है कि स्टाइलिस्ट का क्या होना चाहिए, उनका तो दोस्त बिल्कुल वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि आपको कौन सा कपड़ा सूट करेगा कौन सा नहीं है। वो यहाँ मेरी अच्छा वो भी नहीं आया यहाँ पे, सो तैयार करा के निकल गए। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द स्टाइलिस्ट टू बी योर फ्रेंड सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि वो आपके ऊपर क्या चीज़ जचेगी क्या नहीं जचेगी, क्या आपका स्टाइल है क्या। अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टाइलिस्ट ट्राई टू देर स्टाइल ऑन द आर्टिस्ट, तो कई बार वो कैरी करना मुश्किल हो जाता है। एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ हिज़ यू नो बॉडी लैंग्वेज, तो या मुझे पूरा श्रेय है स्टाइलिस्ट को ही जाता है। अगर निकलने के करते हो
यार बहुत अच्छी फीलिंग होती है बिकॉज ये बात तो है जो क्योंकि उसे बहुत बहुत प्यार मुझे मिला है और आपके काम को सराहना मिले आपको पुरस्कार मिले अवार्ड्स मिले आई थिंक बड़ी खुशी होती है सो फीलिंग वेरी हैप्पी यार वेब शो कर रहा हूँ थ्रिलर है अभी तो अभी मुझे बहुत कॉमेडी में देखा है एक कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ मेरे डायरेक्टर जो है बड़े एक्साइटेड है प्लेटफॉर्म बहुत एक्साइटेड है सो वेटिंग फॉर ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट चैलेंजिंग तो होता है बिकॉज आप कुछ भी करते हैं चैलेंजिंग है चाहे वो कॉमेडी है चाहे वो थ्रिलर है आई थिंक बट मुझे अच्छा लगता है एज एन एक्टर अलग अलग चीज़ें करने को मिले उससे बढ़िया मैं बहुत एक्साइटेड कि आई थिंक आज अवार्ड शो है तो अवार्ड शो आई थिंक बड़े मज़ेदार होते हैं एंड तैयार होने में बड़ा मज़ा आता है तकरीबन कितना टाइम लेती है सर तो ये तैयार रेडी होने तैयार होकर फिर फोटो वोटो खींच के करीब एक दो घंटे जी क्योंकि ये मुझे एक ग्लैम अवार्ड्स मिला है अभी और
मैं कुछ बोलने के पहले मुझे लगता है कि आज की जनरेशन कुछ और के है, ये अबाउट के जी बहुत बहुत खुशी हो रही है. आई कैन नॉट थैंक मिटी एंड क्योंकि ये अवार्ड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मुझे मेरे नए गाने के लिए मिला है, तू है मेरा. एंड मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब की आइकॉनिक वोकलिस्ट ऑफ दी ईयर. सो आई थिंक सर की वजह से ये है और आज मैं अगर यहाँ हूँ तो मेरे मेंटर की वजह से हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी पहले तो मिट्टी को बहुत बहुत धन्यवाद ग्लिट्स एंड ग्लैमर अवार्ड के लिए और इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का और मैंने तमाम फैंस का और जितने भी लोग जो देख रहे हैं मुझे और सुन रहे हैं और मेरे काम को सराहा है इस काम के लिए ये अवार्ड है. और मिट्टी ने इतना अच्छा आज की शाम का जो आयोजन किया था आई थिंक सो अमेजिंग इवनिंग. I congratulate the entire team, Mitte, especially my dear friend Anusha, for a so beautiful dance. And I want to thank each of the media person, everybody for always supporting the good thing about the music, हमारे संगीत के बारे में, हमारे फिल्म के बारे में, हमारे आर्टिस्ट के बारे में, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, म्यूजिक से हो, टेक्नीशियंस हो, एवरीबडी. थैंक यू वेरी मच मिट्टे फॉर गिविंग सच अ ब्यूटिफुल. And thanks to my entire world of music lovers.